हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो मैं आ गया हूँ एक और वीडियो को लेके और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। तो लेट्स सेट रेडी गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या आपको पता है कि अगर कोई जापान में कार खरीदने जा रहा है तो उससे पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि कार पार्क करने के लिए आपके पास सफिशियंट स्पेस हो। अगर आपके पास कार पार्क करने के लिए सफिशियंट स्पेस नहीं है तो आप कार नहीं खरीद सकते हैं एट दैट टाइम, जब तक कि आप उसको पार्क करने के लिए कोई जगह अरेंज ना कर लें। पर कोई जापान का नागरिक है तो वह बिना वीजा के 191 कंट्री विजिट कर सकता है, क्योंकि जापान का जो पासपोर्ट होता है वो दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट में से एक होता है, बेस्ड ऑन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? क्या एक रैंकिंग है किसी भी पासपोर्ट का दुनिया भर में ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन जो कि वो होल्ड करते हैं। जैसे कि जापान में आप 191 कंट्री विजिट कर सकते हैं आप अपने पासपोर्ट के नाम पर, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ही बताता है। और वही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से आप 10 पावरफुल कंट्री में से फर्स्ट नंबर पे हैं जापान, जिस पर 191 कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है सिंगापुर, 190 डेस्टिनेशन कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। थर्ड पे साउथ कोरिया एंड जर्मनी, 189 डेस्टिनेशन कंट्री। फोर्थ पे इटली, फिनलैंड, स्पेन, 188 डेस्टिनेशन कंट्री। फिफ्थ पे डेनमार्क एंड ऑस्ट्रिया, 187 डेस्टिनेशन कंट्री। बाकी बात 6, 7, 8, 9, 10 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट 7th नंबर पर है 185 डेस्टिनेशन कंट्री को लेकर। अब इस लिस्ट में आप देख सकते हैं इंडिया इस लिस्ट में है ही नहीं। ऐसे भी आप इतना देर से सोच भी रहे होंगे कि हमारा भारत का नाम अब तक क्यों नहीं आया। दरअसल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इंडिया 85 नंबर पर है और आप बिना वीजा के 58 देश जा सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो कि हम आपके लिए बराबर लाते रहते हैं। वैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और कोई सुझाव देना हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और शेयर करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्त की भी मदद जरूर करें। यहाँ पे बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।